मैं हूँ आन्या अग्रवाल, इंडिया की इकलौती बच्ची फूड ब्लॉगर, और आप देख रहे हैं फूड टूर विद क्रेजी आन्या। तो फ्रेंड्स, आपने रेस्टोरेंट्स के, अच्छे अच्छे ढाबा के, स्ट्रीट के, काफी सारे आपने छोले भटूरे ट्राई किए होंगे। क्या आपने कभी पेपर भटूरे ट्राई किए? हो सकता ट्राई किए हो, सुने भी हो। मैंने कभी नहीं ट्राई किए। मतलब ये पेपर डोसा नहीं है, पेपर डोसा तो मैंने भी ट्राई किया है, बट पेपर भटूरा, मतलब आप समझ ही गए होंगे। आज मैं आ चुकी हूँ महेश्वरी जी के छोले भटूरे ट्राई करने के लिए, एंड सच बता रही हूँ, आप अगर मेरे चैनल को शुरू से देखते हुए आ रहे होंगे ना, तो आपको पता होगा मैंने लगभग कितने सारे छोले भटूरे के पॉइंट्स ले लिए हैं। और मेरा तो काम ही है आपको अच्छे अच्छे फूड पॉइंट्स दिखाना, अच्छा अच्छा खाना दिखाना। तो आज मैं आ चुकी हूँ एक और फूड पॉइंट के लिए। और तो और, मतलब जैसे ही मैं पीछे से आ रही थी ना, मतलब उधर से, मैंने पता है भीड़ देखते ही पहचान, अच्छा ये रहा है, क्या ढूंढना। फ्रेंड्स, आपको भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको भीड़ देखते ही पता चलेगा। अब मैं आपको बता देती हूँ यहाँ की लोकेशन है, ये है शक्तिनगर चौक पे और नागिया पार्क के सामने, कैनरा के सामने, मतलब दोनों जगह के सामने। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है, एंड मैंने सुना है कि ये लोग कुल्लड़ में देते हैं, कुल्लड़ में अपने छोले भटूरे देते हैं। आपने कुल्लड़ में पिज्ज़ा खाया होगा, लस्सी भी होगी, और कभी छोले भटूरे ट्राई किए आपने? नहीं किए होंगे, मैंने भी नहीं किए। तो आज हम लोग वही ट्राई करने वाले हैं, तो चलो चलते हैं। एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, कि किसी लड़ाई की भीड़ नहीं है, ये महेश्वरी जी के हाथों के जादू की भीड़ है, जहाँ पे इनके स्पेशल छोले भटूरे मिलते हैं। अब चलो चलते हैं एंड खाते हैं इनके छोले भटूरे। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ अंकल बात कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और अभी जगह ढूंढते हैं कहीं से घुसने की। फ्रेंड्स, पूरे मैं ऐसे सर्कल बना खड़े हो गए अंकल के सब। फ्रेंड्स, लोग ना पैक करवा के भी लेके जाते हैं इनके छोले भटूरे। देखो भैया ना, डब्बे लेके आते हैं लोग, डब्बे लेके आते हैं, उसके अंदर पैक करवा के लेके जाते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि इनके जो छोले हैं ना, उसके अंदर प्याज लहसुन कुछ भी नहीं है। और तो और, मतलब इन, ये जो अपने भटूरे होते हैं, ये अपने उस घर से ही बना के लेके आते हैं, और फिर यहाँ पे आके उसे तवे पे यूं सेकते हैं, जिससे वो थोड़े से करारे से हो जाए। फ्रेंड्स, इनके पास राजमा चावल होते हैं, और छोले चावल होते हैं, और छोले भटूरे होते हैं, ये तीन चीज़ें होती हैं इनके पास। फ्रेंड्स, वो अंकल यहाँ पे खुद ही पैक कर रहे हैं, और फ्रेंड्स यहाँ पे ना शायद इनके कुलचे भी मिलते हैं, पता नहीं, वो अंकल कुलचे ही पैक कर रहे थे, दिख रही है फ्रेंड्स। बट इनके पास ना 25 kg, ये अपना 25 लीटर, फ्रेंड्स kg हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया, 25 लीटर ये अपना रायता लेके आते हैं, जो कि कभी भी ख़त्म हो जाता है। और ये लोग कुल्लड़ में भी रायता देते हैं, कुल्लड़ में इनका रायता होता है 20 रुपीज़ का, एंड नॉर्मल जो ग्लास होता है उसके अंदर 10 रुपीज़ का। फ्रेंड्स, अब हम लोग फाइनली अंकल के थोड़ा पास आ चुके हैं, अब देखते हैं अंकल बात करते हैं नहीं करते। नमस्ते अंकल। नमस्ते जी। तो अंकल, यहाँ पे आप कितने साल से काम कर रहे हो? काम तो कम से कम 30 साल बाबूजी हुए, 16 से 14 साल मेरे को, 14-44 साल। अच्छा, तो मतलब पहले बाबूजी काम करते थे? बाबूजी करते थे। अच्छा, और यहाँ की टाइमिंग्स क्या है? 4:15 बजे शाम को, 4:15 से 6:30। अच्छा, और अगर किसी को पहले खाना हो तो? नहीं, पहले की गारंटी नहीं, यहाँ की गारंटी। अच्छा, और मतलब आपके छोले भटूरे में ऐसा क्या स्वाद है जिससे लोग मतलब इतने दीवाने हैं आपके छोले भटूरे के? खड़े होना तो मुझसे मत पूछिए अंकल, बढ़िया स्वाद है, बहुत दूर दूर से आते हैं हम लोग। मैं किसी अच्छा। मैं जवाब नहीं दे सकते, हम जमुनापुर से आते हैं। हाँ। लाए थे, लेट हो गए थे। अच्छा अंकल, इसका जवाब नहीं दे सकता, ये जनता दे सकती है। फ्रेंड्स, वो अंकल 20 सालों से आ रहा है, टेस्ट ऐसा नहीं, समझ नहीं आता, ऐसा कहीं मिलता ही नहीं टेस्ट, इसमें मसालों का भी नहीं पता क्या। तो मतलब आप यहीं के खाते हो या कहीं और के? फ्रेंड्स, आप यहीं के खाते हैं। तो अंकल, मैंने सुना है कि आप शास्त्री नगर में भी लगाते हो? लगाते हैं। अच्छा, तो वो आप ही लगाते हो या कोई और? नहीं, नहीं, मैं ही लगाता हूँ, सारा काम मेरे। अच्छा, और वहाँ की टाइमिंग्स क्या है? वहाँ की टाइम का गारंटी 1:30 बजे से 3 बजे तक। अच्छा फ्रेंड्स, वहाँ की टाइमिंग का कोई गारंटी नहीं है, वो 1:30 बजे से 3 बजे तक होती है ऐसे। मैं आपको कहूँगी यहाँ की गारंटी, आप यहीं पर आ जाओ, मतलब वहाँ पे भी जो लोग वहाँ रहते हैं वो आ जाए, और जो लोग यहाँ रहते हैं वो यहाँ पे आ जाए।
तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे एक भैया मिले जो कि यहाँ पे 20 इयर्स से आते हैं। हेलो भैया, 20 साल से आ रहा हूँ। अच्छा, और कृष्णा नगर रहता हूँ जमुना पर, वहाँ से यहाँ आते हैं। कल भी मैं आया था, थोड़ा सा लेट हो गया, मिल नहीं पाए, इसलिए आज मैं 3:15 से पहुँच चुका हूँ और पिछले 15 मिनट से मुझे मिला नहीं है। तो ये टेस्ट कहीं नहीं मिलता, हम किशनगढ़ से यहाँ तक हम थोड़ा खाने के शौकीन हैं। अच्छा। मगर ये है कि इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत मेंटेन्ड है, दिल से देते हैं, जितनी मर्जी क्वांटिटी लीजिए आप। मैंने भी काफी सुना इनके बारे में, तो मैं भी आज ट्राई करने आई हूं। हमने सुना नहीं, हमने तो खुद देखा, 20 साल हो गए मुझे सुना। अच्छा, तो आप हमारे महेश्वरी जी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार से खिलाते हैं। आप देखिए किसी भी कस्टमर पे इतनी देर से खड़े होने के बाद ही नाराजगी नहीं होगी, सब खुश होते हैं। अच्छा, तो मतलब आप हमारे व्यूवर्स को रिकमेंड करोगे यहाँ के छोले भटूरे? बिल्कुल आना चाहिए फ्रेंड्स, अब आपको तो आना ही चाहिए। अब भैया रिकमेंड कर रहा है तो आ जाओ, फिर पहुँचो फटाफट 4:15 के बाद कल से डेली। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। फ्रेंड्स सब लोग बोल रहे हैं कि इनके छोले भटूरे बहुत ज़्यादा यम्मी है, मतलब मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी हूँ, मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश हो रही हूँ और मेरे मुँह से पानी निकल रहा है क्योंकि मैं भी एकदम छोले भटूरे की शौकीन हूँ। छोले एंड मैं आपको यहाँ की एक खास बात दिखाती हूँ जो कि हमने पूरे इंडिया में किसी भी छोले भटूरे वाले के पास नहीं देखी है, कि ये लोग अपने जो छोले होते हैं ये पहले देते हैं एंड काफ़ी यम्मी दिख रहा है इनके छोले। ये देखो इतने यम्मी दिख रहा है एंड ये अपने छोले पहले है, बट छोले में पनीर, छोले में पनीर मैंने आज तक नहीं देखा है। एंड ये अपने छोले पहले देते हैं जिससे आप छोले पहले सारे चट कर जाओ, उसके बाद जब भटूरा है तो आप इनसे और ले सकते हो और ये आपको बिल्कुल मना नहीं करते हैं। और ये एक सस्पेंस आपके अंदर बना देता है कि जब भटूरे आएंगे तब कैसा होगा, और मेरे अंदर भी बना ही दिया, अभी मैंने टेस्ट नहीं किया, बस टेस्ट करके और बढ़ जाएगा। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा सोच ही रही हूँ कैसे होने वाले हैं। अब मेरे मुँह में पानी आ रहा है, मेरे से वेट नहीं हो रहा, अब चेक करते हैं एंड देखते हैं कैसे है। ये देखो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मिर्ची भी डाली है, अब चलो टेस्ट करते हैं। यम्मी फ्रेंड्स, माइंड ब्लोइंग, मतलब इनके जो छोले हैं ना वो एकदम खड़े मसाले से बने हुए हैं, एकदम पता चल रहा है जैसे मुंह में आ रहा है, थोड़ी सी मिर्ची लग रही है बट इसकी जो इनमें टेस्ट आ रहा है काफ़ी यम्मी टेस्ट आ रहा है, जिसकी वजह से मिर्ची का मन नहीं कर रहा कि मैं मिर्ची को भी ध्यान दूँ, काफ़ी यम्मी है, मज़ा आ जाएगा। फ्रेंड्स अब हमारे भटूरे भी आ चुके हैं, ये देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं भटूरे, मैं आपको इनका साइज दिखाती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स इतने बड़े बड़े भटूरे हैं, मतलब फ्रेंड्स मतलब ये है हमारा रायता एंड ये कुल्लड़ में है तो इसलिए ये 20 रुपीज़ का है, और ये हमारा है भटूरा जिसमें दो भटूरे हैं, ये एक ये दो, और ये 50 रुपीज़ के हैं, अगर आपको सिंगल चाहिए तो वो 30 रुपीज़ का होगा। और फ्रेंड्स देखो एक चीज़ कि ये भी कुल्लड़ का है और ये भी कुल्लड़ का है, मैं आपको बता रही थी ना कि ये सब कुल्लड़ में देता है, ये सही में सब कुछ कुल्लड़ में देता है। तो अब मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, अब टेस्ट करते हैं कैसे होने वाला है, ठीक है। मैंने सिर्फ खाली छोले तो टेस्ट कर ही लेते हैं, अब हम लोग टेस्ट करने वाले हैं अपने छोले भटूरे दोनों साथ में, एंड मेरा क्रेज़ हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, अब चेक करते हैं कैसे। काफ़ी यम्मी है, मतलब जब खाली ट्राई किए थे खाली में छोले में थोड़ी मिर्च लग रही थी, बट छोले मतलब भटूरे के साथ जब हमने ट्राई किया तो उसमें ज़्यादा मिर्च नहीं लग रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये जो इनके भटूरे हैं ना, ये इनके पेपर भटूरे हैं, मतलब पेपर वाले टाइप से, मतलब एकदम सही में पेपर लग रहा है, मतलब ये क्रिस्पी से भी है, मतलब करारा पेपर, एकदम करारा पेपर रह सकते हो, बट फ्रेंड्स असली का पेपर नहीं है, ये भटूरे है, ये काफ़ी अच्छा है। अब मैं आपको सिंगल रायता टेस्ट करके बताती हूँ, क्योंकि जब मैंने रायता खाया तो मेरे को उसका कुछ अलग टेस्ट लगा। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा है, एकदम ठंडा ठंडा है, ठंडे दही का बना हुआ है पूरा एकदम, मतलब ये लोग वैसे लाते हैं अभी अभी कितने बज रहे हैं मेरे को पता नहीं, बट लाते अभी अपने घर से ही हैं, बट
काफ़ी ज़्यादा ठंडा है एकदम, वैसे ठंड हो रही है बट ठंडा पिया है, बट रायता तो ठंडा ही खाते ना, पीते हैं तभी मज़ा आता है, काफ़ी अच्छा है रायता, इनके छोले, इनके भटूरे। तो फ्रेंड्स इतने बढ़िया छोले भटूरे हैं तो अब मेरे से वेट नहीं हो रहा, तो मिलते हैं आपसे खाने के बाद। इनके जो वो था रायता उसके अंदर डला हुआ था वो बर्फ डली हुई थी जिससे रायता इनका ठंडा रहे और तो और रायता खट्टा ना हो जाए, खट्टा रायता होता तो वो कम अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता वो रायता खट्टा ना हो जाए इसलिए लगा रखा है। सच बता रही फ्रेंड्स, यम्मी यम्मी बहुत ही ज़्यादा यम्मी थे इनके छोले भटूरे एंड मज़ा आ गया खा के। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी, आप ज़रूर आओ और खा के जाओ फ्रेंड्स, मज़ा आ गया था सही में। ना तो ये लंच टाइम है ना तो ये ब्रेकफास्ट का टाइम है, ये नॉर्मल टाइम है, पर यहाँ पे फिर भी इतनी भीड़ लगी और ये भीड़ इनकी जस्टिफाइड है बिकॉज इतने यम्मी छोले भटूरे होंगे तो कौन नहीं आएगा, तो सब आएंगे, तो आप समझ ही सकते हो कितने ज़्यादा फेमस है। और आप भी जल्दी जल्दी आओ खा कर जाओ। तो इसी यम्मी छोले भटूरे के साथ इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। शॉर्ट वेव ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को लाइक शेयर जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा देना।